केस 39। फ्रेंड्स, नेटफ्लिक्स पे ये मैंने एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी देखी, और हॉरर मूवी तो ये है ही, पर ये माइंड पे बहुत ज्यादा वर्क करती है और टेंशन बहुत ज्यादा क्रिएट कर देती है। डेफिनेटली एक स्केरी मूवी है और थ्रिलिंग मूवी है, पर हर किसी के लिए नहीं है। ये उन लोगों को पसंद आएगी कि जिनको हॉरर मूवीज में भी एक हैवी डोज चाहिए, जिनको थोड़ा हल्की फुल्की या एवरेज किस्म की हॉरर मूवीज चाहिए, तो उनको ये कुछ ज्यादा ही स्केरी लग सकती है। और ये बेसिकली कुछ ऐसी मूवी है, कुछ ऐसी मूवीज होती है कि हम कहेंगे जो दिमाग खराब कर देती है, रोंगटे खड़े कर देती है, उस टाइप की ये मूवी है। मूवी का थोड़ा सा प्लॉट के बारे में बताऊं तो इसमें हीरोइन है जो सेंट्रल कैरेक्टर है, तो वो एक सोशल वर्कर है जो कि एक 10 साल की बच्ची को उसके एब्यूसिव पेरेंट्स से छुड़ा के अपने पास अपने घर ले आती है। अब उसके बाद क्या वो जो 10 साल की बच्ची है वो वाकई इतनी इनोसेंट मासूम है जितना वो समझ रही थी, या कुछ और ही खेल है, ये सब इस मूवी का प्लॉट है जो आपको पता चलेगा। मूवी तो मैं रिकमेंड करूंगा, मैं इसको रेटिंग्स दूंगा 4 आउट ऑफ 5, पर मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूं ये सबके लिए नहीं है। जिनको टेंशन भरी साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी देखनी हो जो कि दिमाग को हिला के रख दे, तो वो ये मूवी देख सकती है, केस 39 ऑन नेटफ्लिक्स।